अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिनोल के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, तो आज भी जो शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे के सारे फिनोल के मुतल्लिक ही हैं। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये याद रखिएगा, जो आज हम जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यहाँ पर चार शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे रिलेटेड टू रिएक्शंस ऑफ फिनोल। रिएक्शंस ऑफ फिनोल मतलब अगर आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए, एक्सप्लेन एनी फॉर रिएक्शंस ऑफ फिनोल, तो ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन रिएक्शंस ऑफ फिनोल, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आज हमने लिखे हुए हैं, अगर इन सबको आप लिख दोगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। सही है, तो मेन मकसद ये है कि आपको कम से कम शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, ये हर स्टूडेंट नहीं कर सकता। हमें पता होता है कि इसमें लिखना क्या होता है, बाद में हम जब पेपर दे के आते हैं ना घर में, वो निकाल के देखते हैं कि इसमें ये लिखना था, ये तो मुझे आता था। सही है, तो पहले ही समझ लो कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें कौन कौन सी चीजें लिखी जा सकती हैं और क्वेश्चन पूछा किस तरह जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन एंड कंसंट्रेटेड HNO3। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, रिएक्शंस ऑफ फिनोल है, रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल का रिएक्शन है किसके साथ? पहला रिएक्शन है जी ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन है इसको नाम हम दे सकते हैं हैलोजिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन। सही, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे पास अगर हैलोजन को इंट्रोड्यूस करवा दें तो इसको हम नाम दे रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अगर मैं यहाँ पे हैलोजिनेशन करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई इनर्ट सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। कंडीशन अगर देखी जाए तो यहाँ पे कंडीशन है इनर्ट सॉल्वेंट इज यूज, इनर्ट सॉल्वेंट। जिस तरह के मेरे पास एक सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसके अलावा एक और भी है कार्बन डाइसल्फाइड और CS2 इज यूज। सही, ये दो सॉल्वेंट है, बेशक किसका इस्तेमाल कर लो, बेशक कार्बन डाइसल्फाइड का इस्तेमाल कर लो, दोनों ही सही हैं। ठीक हो गया, तो आप इसके बाद मेन चीज मेरे पास रिएक्शन है। मेन चीज क्या मेरे पास रिएक्शन है जो कि फिनोल दे रहा होता है। एक बात, ये जितने भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे याद रखिएगा, जो कि OH ग्रुप होता है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिडिक और बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल पढ़ा है। जो OH ग्रुप होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या होता है आप? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सही, इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, इसको हम मेटा कहते हैं और नीचे वाली को इसको पैरा कहते हैं। मतलब जहां भी फिनोल लगा उसके बाद पहली पहली पोजीशन को हम ऑर्थो का नाम देते हैं, फिर मेटा का, फिर पैरा का। मतलब जो फिनोल है ये बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब भी कोई चीज आप फिनोल में ऐड करोगे तो या तो लगेगी इस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर पैरा पे। मेटा पे लगाया तो एग्जामिनर डायरेक्टली गलत कर देगा। सही है, मतलब फिनोल के इन दो जगह पे मेटा पोजीशन पे आपने कोई चीज नहीं लगानी। सही है, यह बात आपने जहन में बिठा लीजिएगा, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे कोई शय नहीं लगानी, बाकी बेशक जिस जगह मर्जी लगा दो। ठीक हो गया, तो हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो हमारे पास अगर फिनोल रिएक्शन करेगा किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। सही है, हमारे पास Br2। सही है, और सॉरी ये फिनोल है, फिनोल का रिएक्शन कराना है ब्रोमीन के साथ। ठीक है, ये फिनोल है, इसका रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ किसकी मौजूदगी में? कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे। ये जो Br है या तो ऑर्थो पोजीशन में जुड़ेगा या फिर ये वाला Br जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर ये वाला Br जुड़ेगा, Br जुड़ना है हमें, या फिर यही वाला Br जुड़ेगा किस पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे। सही है, इसको कहेंगे ऑर्थो ब्रोमो फिनोल, ऑर्थो ब्रोमो फिनोल, और इसको कहेंगे पैरा
ब्रोमो फिनोल ले जी, ये हमारे पास तरीके का है जिसमें ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल को हमने प्रिपेयर किया है। किस तरीके का से ब्रोमीन का रिएक्शन फिनोल के साथ करवा के देखो, मैंने दोनों बारी चेक कर लो। मैंने मेटा पे नहीं लगाया, मेटा पे ब्रोमीन को नहीं लगाया, या तो ऑर्थो पोजिशन पर लगाया या फिर मैंने पैरा पोजिशन पर लगाया। ठीक है, ये हो गया जी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन करवाना है। कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री, अच्छा कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए ना हमारे पास, ये फिनोल है, फिनोल का जो फार्मूला ये है ओ एच, इसको हम क्या करेंगे कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन करवाएंगे और हीट भी करेंगे। कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री के साथ इसका रिएक्शन करवा के हम इसको गर्म भी करेंगे। गर्म जैसे करेंगे हमारे पास जो एच एन ओ थ्री है ये नाइट्रेटिंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप प्रोवाइड कर रहा होता है और नाइट्रो ग्रुप होता है एन ओ टू। सही क्या होता है जी हमारे पास जैसे कंसेंट्रेटेड, अगर डाल्यू डालते उसका अलग सिस्टम है, लेकिन अगर हम कंसेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करवाएं तो सिंपल सा एक रिएक्शन याद रखिएगा कि फिनोल ग्रुप में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे एनओ टू लग जाना है। यहां पे भी ऑर्थो पोजिशन पे, ये भी ऑर्थो पोजिशन है एनओ टू, और नीचे वाली पे भी एनओ टू लग जाना है। सही है, अगर मैं इसका नाम देना चाहूं तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। और इसका सबसे मोस्ट कॉमन जो नेम है वो है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। इस एसिड का फार्मूला भी याद रखिएगा कि हमारे पास फिनोल OH लगा होता है और तीन जगह पे NO2 लगा होता है, इसको पिक्रिक एसिड का नाम दिया जाता है। सही है जी, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने क्या किया कि फिनोल का रिएक्शन हमने कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाया। सही है, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, ब्रोमीन के साथ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे है कंसेंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट विद फिनोल टू गिव पिक्रिक एसिड। तो मतलब क्या है कि दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर यही वाला होगा। सही है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सेम है। देखो हमने क्या किया, फिनोल का रिएक्शन कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा के पिक्रिक एसिड बनाया। क्या बनाया, पिक्रिक एसिड बनाया, ये याद रखिएगा। ले जी, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हो गए। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं, कहते हैं कन्वर्ट फिनोल इनटू साइक्लोहेक्सानोल। लो जी स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट आपने बदलना है किसको, फिनोल को CYCLO साइक्लो हेक्सानोल में। बड़ा आसान तरीकाकार है, आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दो, मतलब हाइड्रोजिनेशन करवा दो। सही है, मतलब क्या, ये हमारे पास फिनोल है, कंडीशन बाद में लिखते हैं। सही है, ये फिनोल, इसके ऊपर OH लगा हुआ है, आप इसमें 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड कर दो, किसकी मौजूदगी में, निकल को यूज करो एज अ कैटलिस्ट। 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है। कितना टेम्परेचर देना है, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है। और जैसे ही वाला टेम्परेचर दोगे तो आपके पास जितने भी फिनोल के अंदर डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3 डबल बॉन्ड है, तीनों के तीनों डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल बॉन्ड, और हमारे पास ये वाली जो चीज बनेगी इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सानोल। साइक्लो का मतलब है मतलब रिंग की फॉर्म है, हेक्सा का मतलब होता है 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड है, ओएल का मतलब अल्कोहलिक ग्रुप इसके ऊपर मौजूद है। साइक्लोहेक्सानोल। अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो यहां पे क्या किया जी, हमने फिनोल इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू फॉर्म साइक्लोहेक्सानोल। अगर वर्डिंग में लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरीके कार से लिख सकते हैं। तो किस तरह के लिखेंगे जी, फिनोल इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सानोल बाय, किस तरह हमने फिनोल कन्वर्ट किया है, बाय हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को ऐड किया हमने। सही है, ले जी। अब इसके बाद कंडीशन की हेडिंग देखकर, निकल इज यूज एज अ कैटलिस्ट 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। चलो जी, यहां पर मैं कंडीशन की हेडिंग दे देता हूँ, फिर आप लिखोगे कंडीशंस। ठीक है, क्या कंडीशन है, निकल इज यूज एज अ कैटलिस्ट, निकल इज
यूज एज अ कैटालिस्ट। और टेम्परेचर कितना जी हमारे पास 150 डिग्री सेल्सियस, ले लीजिए हमारे पास आ गया। अब अगली बात आ जाओ, देखो हमारे पास अभी तक ना कितने रिएक्शन हो गए, 1, 2, 3। अच्छा एक और भी सुसन बात याद रखिएगा, ये वो रिएक्शन है, दो तरह की फिनोल रिएक्शन दे रहा होता है। एक वो रिएक्शन होता है जिसमें फिनोल के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, ये इन्वॉल्व होता है, और कुछ रिएक्शन होता है जिसमें जो बेंजीन रिंग नीचे लगी होती है वो इन्वॉल्व होती है। ये जितने भी रिएक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रही होती है, जिसमें फिनोल की बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रही होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर सिंपली कहें एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ फिनोल तो फिर आप कोई भी कर सकते हो, ठीक हो गया। ले जी ये था जी हमारे पास। अच्छा इसका एक और भी नाम याद रखिएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 को नाइट्रेशन भी कहते हैं, जब रिएक्शन होता है ना इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। ये एक छोटी सी बात याद रखनी है, इसको क्या कहते हैं नाइट्रेशन। अगर पेपर में आ जाए कि गिव द रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन ऑफ फिनोल तो यही रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो अब लास्ट वाला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकलाइट फ्रॉम फिनोल। आपने केमिकल रिएक्शन देना है जिससे बेकलाइट बने। बेकलाइट इज एक्चुअली अ प्लास्टिक मटीरियल, इट इज यूज इन स्विचेस, ये जो घरों के अंदर स्विच लगे होते हैं ना करंट वाले ऑन ऑफ करने वाला, वो वाले स्विच जो जिस चीज के बने होते हैं, जिस प्लास्टिक के बने होते हैं, वो एक्चुअली ये बेकलाइट होता है। वो क्या होता है हमारे पास, बेकलाइट है, सही है। और ये वाला याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, ठीक है, ये बजाते खुद इटसेल्फ लोग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे पास बेकलाइट फॉर्मेशन, बेकलाइट फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। अगर मैं बेकलाइट फॉर्मेशन की बात करूं तो हमारे पास जो फिनोल होती है वो उसका रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फिनोल इज ट्रीटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड कौन सी कंपाउंड होती है, ये वाला कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच टू गिव बेकलाइट। तो ये हमारे पास बेकलाइट दे रहता है। दिस रिएक्शन इट इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, अकर इन द presence of acid as a catalyst। ये यहां पे ना हम acid को as a catalyst इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है। acid भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, और यहां पे base भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब acid और base दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। क्या जी, base भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और acid भी आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं as a catalyst, सही है। ये दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन की स्पीड को सिर्फ बढ़ाता है, बजाते खुद इस्तेमाल नहीं होता, ये छोटी सी बात आप याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन देखते हैं। हमने क्या करना है, फिनोल लेनी है, पहले एक सिंपल सा रिएक्शन है, बाद में बेकलाइट बनाएंगे। ये फिनोल है, अगर हम इसका रिएक्शन HC OH के साथ, यानी ये फॉर्मेल्डिहाइड है और इसके साथ करवा दो बेस की मौजूदगी में या एसिड की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें आपको मैंने बता रखा है जो आने वाली चीज़ है वो दो जगह हैं, दो जगह में से किसी एक जगह पर लग सकती है। ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है, ठीक है। तो अब जो आने वाली चीज़ है ना वो या तो ऑर्थो पोजिशन पर लगी है पैरा पोजिशन पर, या यहाँ पर लगेगी CH2OH, या फिर ये वाली चीज़ यहाँ पर लगेगी CH2OH, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे लग रही होती है। तो ये था जी हमारे पास सिंपल सा रिएक्शन जिसमें हमने क्या किया, जब बेकलाइट बनी नहीं है, बेकलाइट वाला रिएक्शन हो रहा है, इसमें हमने क्या किया, फिनोल का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाया। ये हमारे पास फिनोल है और ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, नेक्स्ट काम यह है कि अगर हम इनकी पॉलीमराइजेशन मतलब इनको आपस में जोड़ना शुरू कर दें तो फिर ये रिएक्शन बढ़ता है और हमारे पास पॉलीमराइज होकर बेकलाइट बना देता है, सही है। मतलब अगर हमारे पास ये फिनोल है OH, इसका रिएक्शन
HCHO, मतलब ये HCHO वही वाला है, ऊपर वाला। चलो मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ, HC OH। अगर इसके भी बहुत सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लूँ और इसके भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लूँ तो हमारे पास बेकलाइट बन जाती है। ठीक है, बेकलाइट की स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है, और पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। अब करना क्या, आपने बेकलाइट बनाने के लिए आप फिनॉल बेंजीन बनाते जाओ, एक दो बेशक तीन चार पाँच जितनी मर्जी बना लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सही, याद रखिए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ले ली, ये हमारे पास चार बेंजीन, क्योंकि मैं चार फिनॉल को आपसे जोड़ूंगा। इस फिनॉल में ऊपर वाली साइड पे OH लगा हुआ है, इसमें OH ऊपर वाली साइड, उसमें नीचे वाली साइड पे OH लगाना है। कहाँ पर लगाना है आपने, नीचे वाली साइड पे OH लगाना है। ठीक है, तो बाकी इनके अंदर बॉन्ड जिस तरह बेंजीन के अंदर होते हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब ये वाला जो फिनोल का मॉलिक्यूल होता है ये CH2 ग्रुप के साथ ये नीचे वाले से जुड़ जाता है। ये कैसे जुड़ता है वो बताता हूँ, ये वाला भी CH2 ग्रुप के साथ नीचे वाले के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से CH2 ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, ये भी यहाँ से CH2 ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला काम CH2 ग्रुप के साथ काम चलता रहता है। ठीक है, ये वाला भी यहाँ पे CH2 ग्रुप आगे जुड़ते रह जाते हैं, ये काम चलता रहता है, मतलब जिस तरह ये जुड़ा है फिर इसके आगे फिर इसके आगे, और ये वाला काम आगे चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। सही है, रुकता नहीं है। ठीक हो गया, तो ये जो चीज़ हमारे पास बनी है, ये वाली जो चीज़ है ये बेकलाइट है। अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह मेंशन करूँ, ये हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ बन जाएगी, और ये जो चीज़ बनी है इट इज़ अ बेकलाइट। सही है, ये क्या हमारे पास बेकलाइट है। जब स्ट्रक्चर बनानी है तो ये याद रखना, देखो फिनोलिक ग्रुप ये लगा हुआ है, इसमें ऑर्थो पोजिशन ये वाली होगी, ऑर्थो पोजिशन पे ही मैंने CH2 ग्रुप लगाया, यहां क्या करो फिनोल ग्रुप ये लगा, ये ऑर्थो पोजिशन है और ये पैरा पोजिशन है। होता यह है एक्चुअल में, अगर मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूं तो होता यह है कि हमारे पास फिनोल है, ये वाला OH है, यहां पे CH2 OH लगा हुआ है। आगे मैं एक और बना देता हूं इस तरह का, ये हमारे पास एक और फिनोल है, इसमें भी यहां पे CH2 OH लगा होगा। ठीक है, तो यहां पे OH, आपको पता है यहां पे जो कोना है इस पे एक हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला आपसे मिलता है और ये क्या बन जाता है H2O, यहाँ पे C, ये वाली चीज़ आ गई, फिर द्रव्यमान में CH2, फिर अगला कार्बन, सही, एक फिनोल CH2, मतलब यहाँ पे बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, यहाँ पे क्या आता है माइनस H2O एलिमिनेट। सही, और कंडेंसेशन रिएक्शन है। सही है, इसमें छोटे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल साथ में रिलीज भी हो रहे हैं। ठीक है, दैट्स रिएक्शन इज नोन एज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। ये छोटी सी बात याद रखिएगा। तो ये था जी हमारे पास फिनोल के रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। सही है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपको शायद इस तरह पूछ सकता है, इसका एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉर्मल्डिहाइड, हाउ फॉर्मल्डिहाइड इज यूज इन बेकलाइट फॉर्मेशन, हाउ फिनोल इज यूज इन बेकलाइट फॉर्मेशन। मतलब क्वेश्चन पूछने के डिफरेंट तरीकाकार हो सकते हैं, ये भी लफ्ज लाजमी लिखेगा बेकलाइट। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसका नाम लाजमी याद रखिएगा। तो ये था ये हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।